तो आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, ये बथुआ लिया है हमने और तो इसका रायता बनाएंगे। अब हमने एक बार धो के रखा है, दूसरी बार मैं इसमें डाल के दोबारा से धो लेती हूँ। इसको मैं डाल लेती हूँ और धो लेती हूँ। इसमें पानी डाल लेती हूँ मैं। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बार धो के। और मैं अभी एक बार और धोऊंगी इसको। तो एक बार मैंने धो लिया है, इसको मैं दोबारा डालती हूँ इसमें, दोबारा से धोती हूँ। क्योंकि इसको खेत से तोड़ के लाते हैं तो थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह भी आ जाती है इसमें, इसीलिए इसको अच्छे साफ कर लेते हैं पहले। हमने ये धो दिया है दो तीन बार, तो इसको मैंने निकाल लिया है। जब तक आग जलाती हूँ चूल्हे में, हमने आग जला ली है चूल्हे में और इसको मैं बथुए को इसमें रखती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ उबालने के लिए रखूंगी, इतना सा मैंने पानी डाला है। तो मैं इसको ढक देती हूँ, रख देती हूँ चूल्हे पे उबालने 10-15 मिनट में इसको उबालूंगी। और मैं ढक के रखती हूँ इसको, देखती हूँ इसको। बथुए को हमारा बथुआ उबल चुका है, ये देखो बथुआ हमारा उबल के तैयार हो गया है। तो मैं इसको अब उतार लेती हूँ नीचे। तो ये बथुआ मैंने उतार लिया है, तो इसको बनाएंगे हम अब रायता। इसको मैं निकाल लेती हूँ इसमें थाली में, पानी को निकाल के। इसमें निकाल के हमें इसको ऐसे ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। क्योंकि ये अभी गर्म है, तो ये हमने निकाल लिया है बथुआ। इसको मैं रख देती हूँ एक साइड। इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ। इस बथुए को निचोड़ लेती हूँ, पानी इसमें से देखो निकल रहा है। ये पानी को मैं इसमें से निकाल दूंगी। कितना सारा पानी निकल रहा है इसमें से। तो देखो ये मैंने ऐसा निचोड़ लिया है, पानी निकल गया इसमें से। तो मैं इसमें डाल लेती हूँ और मैं ये थोड़ा सा है इसको और निचोड़ लेती हूँ मैं। तो ये देखो इसमें से भी पानी निकल रहा है।
देखो इसमें से पानी निकल गया, इतना सारा पानी निकला है ये। और तो इसमें मैंने ये रख लिया है मिर्ची में, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। ले जाती हूँ मिक्सी के पास, भाई मिक्सी में मैंने रख लिया है, तो अब मैं इसको चालू करती हूँ। क्या तो हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसको भी निकाल देती हूँ मैं। तो ये दही है मैंने फेंट कर रखा है, तो मैं इसको इसमें कुल लेती हूँ। मैंने इसमें डाल लिया है दही, और इसको मैं डालती हूँ जो इसका रखा था पेस्ट बनाया था बथुए का। इसमें मैंने हरी मिर्ची भी डाली है 4-5, अगर तुमको जैसा लगे वैसा तीखा खा सकते हो। मैं इसमें इसको मिला लेती हूँ। तो ये मैंने मिला लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, तो इसको मैं धुल के इसी में कूट दूंगी। इसमें मैंने ये मिला दिया है, अभी इसमें मैंने नमक और मिर्ची नहीं डाली है, मैं डालूंगी। डालती हूँ नमक, हरी मिर्ची हमने इसमें पीस साथ में पीसी थी पेस्ट बनाया था, तो इतना मैंने नमक डाला है इसमें। मैं नमक को इसमें मिला देती हूँ। और इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, तो मैंने गरम मसाला डाल दिया है। मैंने रख दिया, अभी इसमें लगा, अभी मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया, तो मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। जीरा जो कि मैंने पिसा पीस के रखा था भुना हुआ, मैं इसको भी मिला देती हूँ। मिला दिया है, इसको मैं रख रखती हूँ क्योंकि इसके रखती हूँ इस पर गर्म होने के लिए। और इसमें इसमें डालूंगी मैं सरसों का तेल तड़का लगाने। ये डाल दिया मैंने सरसों का तेल तड़का के लिए। गरम करेगी, इसमें मैं डालती हूँ जीरा और डाल देती हूँ मैं लाल मिर्च। ये लाल मिर्च तड़का के लिए, इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़े से धनिया। तो हमारा देखो ये भून चुका है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ, इसको हिला देती हूँ। तो ये हो गया हमारा तड़का रख के, और इसमें डालती हूँ मैं ये थोड़ा सा धनिया। इसमें डालूंगी मैं हींग, क्योंकि गीली हींग है, सूखी वाली नहीं है, तो मैंने उसमें नहीं डाली थी। और इसमें मैं घोल के डालूंगी, घोल के डालते हैं तो और अच्छी खुशबू आती है।
मैं इनको गुल लेती हूँ। हींग गीली वाली है ऐसी, ये देखो सूखी वाली होती है तो पीस जाती है, और ये गीली थी पहले से। इसको इसमें डाल देती हूँ, खुशबू आ रही है इनकी। मैं इसको ढक के रखती हूँ। तैयार होके आए तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।